हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि GTA 5 में कैसे ऐड ऑन व्हीकल्स को ऐड करना है आपके गेम के अंदर। इसमें मैं आपको तीन कार्स ऐड करके दिखाऊंगा। एक रहेगी निसान GTR और एक आर्मोर्ड कस्टम की BMW M4 लिबर्टी सिटी वाले बॉडी किट के साथ, और एक है रॉकेट बनी GTR लिबर्टी वाक जो भी हो उनकी लगता है मुझे दोनों। तो पहले आप लोग को ये जो zip फाइल्स होंगे आपको डाउनलोड कर देने हैं। आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक ये कार मॉड्स के। तो पहले हम लोग GTR को मॉड करेंगे, अपने गेम के अंदर एड ऑन करेंगे। GTR की फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख दी है, इसको हम लोग सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देंगे डेस्कटॉप पे। अभी हम लोग रीडमी फाइल में जाएंगे। आप इसमें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि रीडमी पढ़ना मतलब ये सही रहता है, क्योंकि हर समय हम लोग तो आपको रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपके मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस के टाइम पे, तो आप लोग को ये वाला जो लाइन है वो कॉपी करना होगा। फिर आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे ये सबको पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। मेरे लिए तो ईजी है, तो इधर आप पेस्ट कर दीजिएगा इसको। और अभी हम लोग को चाहिए होगा ओपन आईवी। आप लोग इधर देख सकते हैं, ओपन आईवी का भी मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग को विंडोज़ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका जो GTA 5 को जिस आप लोकेशन पे डाउनलोड किए हैं इंस्टॉल किए हैं वो लोकेशन डालना होगा। उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना होगा ओपन आईवी। उसके बाद ये ओपन आईवी का ये स्क्रीन आएगा, आप लोग को इधर जाना है, टूल्स पे जाना है आप लोग को, ASI मैनेजर पे। ये जो तीन फाइल, ये जो दो फाइल्स हैं इन लोग को इंस्टॉल कर देना है। यस, इंस्टॉल। ये दोनों फाइल को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग सिंपली जाएंगे अपने गेम के डायरेक्टरी पे। इधर आप लोग देख सकते हैं मॉड्स फोल्डर होगा, तो इसमें आप लोग को अपडेट फोल्डर पे जाके update.rpf को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है मॉड्स फोल्डर पे, और एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा x64। एक्स स्मॉल होना चाहिए। x64 इसके अंदर आप लोग जाके और एक फाइल बनाएगा फोल्डर, फिर DLC पैक्स स्मॉल लेटर्स पे सारे। आपका इधर का काम हो गया है। अभी आप सिंपली जो GTR की फाइल हम लोग एक्सट्रैक्ट की थी डेस्कटॉप पे zip फाइल से, उसको आप लोग को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, क्योंकि इधर नहीं, DLC और पैक्स वाले फोल्डर को खोल के इधर कॉपी पेस्ट कर देना है या ड्रैग एंड ड्रॉप जो भी हो। उसके बाद आप लोग जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो लाइन आप लोग लिए थे उसको कॉपी करना है। उसके बाद मॉड्स फोल्डर पे जाना है, X64 क्यों लिखा है इधर यार, शायद मैंने दोनों को रीनेम कर दिया, मतलब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। update.rpf इधर जाना है आप लोग को, कॉमन में जाना है update.rpf खोल के। उसके बाद आप लोग को एडिट मोड में जाना है, कॉमन डेटा। उसके बाद इधर आप लोग एक ऐसे स्क्रीन में आ जाएंगे, DLClist.xml पे राइट क्लिक करके एडिट पे जाना है, या फिर आप Ctrl+Enter दबा सकते हैं। उसके बाद इधर आप लोग को ये फाइल पेस्ट कर देना है और सेव करके मिनिमाइज कर देना है। अभी फिर से हम लोग इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, इसके टेक्स्ट फाइल में जाएंगे,
इधर एक लाइन होगा आइटम टाइप, वो डीएलसी पैच जीटीआर, इसको आप कॉपी करना है आप लोग को, और इस वाले फोल्डर पे लिखा मतलब पेस्ट करना है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यार। तो अभी आप लोग को इधर ये जो एक्स्ट्रा टाइटल अपडेटेड डेटा डॉट मेटा, इधर जाके आप लोग को पेस्ट कर देना है ये वाले चीज को जिसको हमने अभी कॉपी किया। मैंने एडिट मोड नहीं किया था इसको, सॉरी फॉर दैट। एडिट में जाना है हम लोग को, इधर जाके एंटर दबा देना है। लीजिए, आप लोग के लिए एक गाड़ी बहुत सही तरीके से ऐड ऑन हो चुकी है गेम के अंदर। अभी आप इसके रीडमी टेक्स्ट फाइल में जाएंगे तो इधर आप लोग को दिखाएगा, यूजिंग अ सिंपल ट्रेनर यू कैन स्पॉन इट बाय द नेम जीटीआर। आप लोग मेन्यू पे जाके जो इनपुट मॉडल पे जीटीआर टाइप करने से ये गाड़ी स्पॉन हो जाएगा। अभी जो डॉट ओ आई वी वाले कार फाइल होंगे, जो आरमॉड कस्टम्स के कार फाइल है, वो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। उसके लिए आप लोग को फिर से ओपन आई वी ओपन करना पड़ेगा, विंडोज फिर स्टार्ट करना पड़ेगा GTA 5 के इसको। उसके बाद आप लोग को टूल्स पे जाना है, पैकेज इंस्टॉलर। उसके बाद हम लोग डेस्कटॉप पे सेव किए थे ये आरमॉड कस्टम वाली फाइल, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद BMW M4 GTS Liberty Walk आरमॉड कस्टम्स की है, तो इसमें सिंपली इंस्टॉल कर देना है। हम लोग को मॉड्स फोल्डर सिलेक्ट करना है और कोई फोल्डर नहीं सिलेक्ट करना, मॉड्स फोल्डर सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल कर देना है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा होने में इंस्टॉल। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी गेम रन करने से आपको ये मिल जाएगा गाड़ी। अभी थर्ड गाड़ी में आते हैं हम लोग, लिबर्टी वॉक वाले GTR पे। उसका हम लोग जिप फाइल खोलते हैं, रीडमी टेक्स्ट पे जाएंगे। अभी आप लोग को ये जो लाइन है आइटम DLC पैक्स वाली लाइन आपको कॉपी करनी है, कंट्रोल प्लस सी, फिर ओपन आईवी पे जाना है, विंडोज। तब तक ये जितना समय में ये ओपन होता है, हम लोग अपना गेम का फोल्डर खोल के GTA 5 मॉड्स फोल्डर अपडेट X64 इधर आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो अभी जो आरमॉड जो ये फाइल हम लोग किए थे इंस्टॉल, उसमें ये वाली जो अपडेट वाली फाइल है एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो हम लोग अभी फिर से update.rpf में जाके ये पुरानी वाली जो नॉर्मल GTR जिसको हमने सबसे पहले ऐड किया था, उसके लाइन को ऐड करना है। अगर आप ये सेम कार मॉड्स डाउनलोड कर रहे हैं मेरे तरह, तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना है। तो अभी हम लोग मॉड्स में जाएंगे, update.rpf कॉमन डेटा, उसके बाद DLCList.xml एडिट मोड ऑन करना है आप लोग को। एडिट पे जाके पेस्ट कर देना है इसको। तो आपका ये पेस्ट हो चुका है, आपका ये गाड़ी ऐड हो चुका है लिबर्टी वॉक GTR। अभी आप लोग को जो पहला वाला GTR, सबसे पहला वाला GTR मैं आप लोग को ऐड करके दिखाता हूँ। क्लोज रीड मी टेक्स्ट में जाके इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सेम प्रोसेस है वही करना है, कंट्रोल प्लस सी, एडिट।
इसके बाद हम लोग इधर आके पेस्ट कर देंगे इसको। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइटल अपडेटेड डेटा उस पे जाएंगे। इस पे जगह बना के हम इस वाले लाइन को ऐड करेंगे। ये जो आइटम टाइप एस ई एक्स्ट्रा टाइटल अपडेट माउंट डीएलसी जीटीआर डीएलसी पैच जीटीआर जो भी है कॉपी पेस्ट। अभी आपके गेम में 3 कार सक्सेसफुली एड ऑन हो चुके हैं। अभी मैं आपको गेम ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। अभी हम लोग को मेन्यू ओपन करना होगा F8 दबा के। व्हीकल ऑप्शंस, व्हीकल स्पॉनर, इनपुट मॉडल GTR। लीजिए आपके गेम पे GTR आ चुकी है। ऑल व्हील ड्राइव कार 700 हॉर्स पावर की बीस्ट। और अगर आपको इसको और फास्ट बनाना है और वैसे लॉस सैंटोस कस्टम्स में जाने का आपको पेशेंस नहीं है, आपको व्हीकल ऑप्शंस में जाना है, मेन्यू कस्टम्स में जाके एकदम नीचे आ जाना है। आप इधर से सिंगल मतलब कर सकते हैं आप अपग्रेड चूज करके, पर अगर आप अभी मैं इसको नहीं छोड़ रहा। ओके, तो मैं किधर था? अगर आपको यार मूड खराब कर देते हैं, आपको सिंगल अपग्रेड करना है, एक बार में पूरा कार अपग्रेड करना है, आप ऑटो अपग्रेड में जाके प्रेस कर दीजिएगा तो आपका कार भले ही ये थोड़ा स्ट्रेंज दिख रहा हो पर इसमें एक बॉडी किट आ चुका है और अजीब दिख रहा है ये गाड़ी। अच्छा, इसके लिए भी आपके पास एक सलूशन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अच्छा रुकिए, मैं आप लोग को और भी कार स्पॉन करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या क्या थे? LW GTR, ओके, LW GTR, लिबर्टी वॉक की GTR, आपका शीट लिबर्टी वॉक GTR आपके पास आ चुकी है। है ये 1600 HP की है यार, जितना मेरे को फीलिंग आ रहा है सही है, फास्ट है बहुत ज़्यादा। और आप लोग को अगर स्पीडोमीटर ऐड करना है गाड़ी में, आप लोग F8 दबाइएगा, व्हीकल ऑप्शंस, नीचे स्पीडोमीटर्स, फिर आप इसको डिजिटल में कर दीजिएगा या फिर आपके लिए इधर एनालॉग भी है पर मैं डिजिटल प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। तो आप लोग को अगर कोई और भी गाड़ी के मॉड में इंस्टॉलेशन में कोई भी अगर दिक्कत आ रहा हो तो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस वीडियो के, या फिर मेरे इंस्टा पे आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। मैं मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये सारे गाड़ी के लिंक का भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मॉडलिंग्स जो भी हो जो भी कहते हैं इन लोग को। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा गाड़ी को स्टैंड कैसे करना है, मतलब सस्पेंशन लो कैसे करना है, और फिर केम्बर कैसे बनाना है अपने गाड़ी का एकदम ट्यूनर्स टाइप का,
कैसे बनाना है अपनी गाड़ी को और गाड़ी में ड्रिफ्ट मोड कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि GTA 5 का जो नॉर्मल हैंडलिंग है उसमें आप गाड़ी को ड्रिफ्ट बहुत कठिनाई से कर सकते हैं। तो इस वाले मोड में जो मैं को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप उस मोड से गाड़ी को इजीली ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। पीस।